तो फाइनली दोस्तों जो है इसका पंप नोजल आ चुका है। तो अभी इसका जो हम पंप और नोजल जो है फिटिंग करेंगे और फिट करके जो है स्टार्ट कर चेक करेंगे। तो पहले हम इंजेक्टर को फिटिंग कर लेंगे बारी बारी से। तो हमने जो है इंजेक्टर को खोलते वक्त नंबरिंग कर दिया था और नंबरिंग के हिसाब से हम इसको फिट कर लेंगे। तो एक एक नोजल में हम इसका जो वाइसर लगा के जो फिट करेंगे ताकि जो है प्रॉपर तरीके से बैठ जाए, उसका वाइसर ना गिरे ताकि ग्रीस लगा रहे हैं। तो पहला दूसरा इंजेक्टर लग चुका है, अब तीसरा हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे भी तीसरा फिट करते हैं। तो हमने वीडियो को फास्ट रखा ताकि जल्दी जल्दी फिटिंग हो जाए। और यहाँ पे जो इंजेक्टर का जो है कोडिंग नंबर जो याद रखना पड़ता है दोस्तों, ताकि जो है आप गलती से कोई इंजेक्टर गलत लगा दें तो उसका कोडिंग जो है इंजेक्टर से ले सकें। तो ऊपर का जो फ़ोटो खींच लें ताकि आपको कोडिंग करने में आसानी रहे। तो यहाँ पे चारों इंजेक्टर जो है फिट हो गया है, तो इसको भी हम टाइट कर लेंगे। और इसको टाइट करने के बाद तो उसके बाद हम जो है पंप का फिटिंग करेंगे। तो इसका जो हम जल्दी टाइट कर लेते हैं और उसके बाद जो है पंप फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इंजेक्टर कम, तो दोस्तों ये जो है पंप है इसका आ चुका है रिपेयर होके। तो इसमें जो प्रॉब्लम मिला था वो पंप में ही मिला था, पंप से ही प्रेशर नहीं आ रहा था, पंप वाले ने बताया हमको। तो इसका जो है पंप का काम हो गया है, तो पंप का भी हम बताते हैं कैसे फिट करने का है। तो सिंपली जो पंप फिट करने का है इसमें जो टाइमिंग कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि जो गाड़ी में कॉमन रेल रहता है उसमें टाइमिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी आप भी जो है टॉप पोजीशन पे लेके जो पंप को लगा सकते हैं, या आप किसी भी पोजीशन, ज़्यादातर जो है टॉप पे पोजीशन पे रख के लगाते हैं पंप को। तो चलिए अभी पंप को हम फिटिंग कर लेते हैं इसको भी। हाँ, आपको नज़दीक से दिखाते हैं। तो यहाँ पे पंप जो है गियर में फिट हो चुका है, टाइमिंग गियर पे। गाइज, अगर हमारे चैनल पे पहली बार या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और बेल आइकन घंटी को दबा दें। लोग दोस्तों वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, दोस्तों एक वीडियो लाइक कर दिया करो ताकि हमारा जो मोटिवेशन बढ़ता रहे वीडियो बनाने का। तो यहाँ पे जो पंप का फिट कर लेते हैं, उसके बाद जो है बाकी का जो फिटिंग करेंगे। तो अभी यहाँ पे पंप जो है फिटिंग हो चुका है, अभी हम वीडियो को फास्ट करते हैं ताकि आपको ज़्यादा देखना ना पड़े। फ्रेंड, जो पंप का फिटिंग हो चुका है तो बाकी चीज़ भी जो है कॉम रेल और EGRO ये सब हम फिट कर लेंगे। तो इसको भी जल्दी जल्दी फिट कर लेते हैं। तो हमने वीडियो को जो है फास्ट रखा है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे जो है EGR फिट हो चुका है, इसके बाद जो कॉमन रेल लगा के जो हम उसको भी टाइट कर लेंगे और उसके बाद जो हम गाड़ी का एयर निकाल के स्टार्ट करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो है EGR वाल कंप्लीट हो चुका है, पाइप लगाना है, इसको भी लगा लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे पाइप भी कंप्लीट हो चुका है, हमने कॉमन रेल को लगा लेते हैं और कॉमन रेल के जो सारे पाइप है इसको कम्प्लीटली फिट कर लेते हैं। तो पंप का जो मेन पाइप है उसको हम टाइट कर लेंगे, बाकी जो है चार पाइप जो लूज रखेंगे हमको इसका एयर निकालने के लिए कॉमन रेल का, कॉमन रेल से इंजेक्टर का। तो यहाँ पे इसका कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो इसका जो फिटिंग प्रॉपर हो चुका है, तो अभी हम गाड़ी को सेल्फ मार के जो है इसका एयर निकाल लेंगे चार इंजेक्टर का, और उसके बाद देखते हैं गाड़ी जो स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो हम चेक करेंगे। और उसके बाद जो हमारे फाल कोड हैं वो इनएक्टिव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो भी हम चेक करेंगे। तो हम डीजल को चढ़ाएंगे सेल्फ मार मार के,
क्योंकि ये काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी दिन बाद जो पंप अनुजल आया हुआ है, तो इसकी वजह से हमको वीडियो जो है दूसरा पार्ट जो है काफ़ी दिन के बाद बनाना पड़ रहा है। तो एक एक करके हम नोजल का एयर निकाल लेंगे और उसके बाद जो है देखते हैं गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो अभी फिर सेल मार के जो है बाकी का भी इंजेक्टर का एयर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो गाड़ी स्टार्ट हो चुका है ये निकालने के बाद प्रॉपर, तो यहाँ पे भी प्रेशर बिल्कुल प्रॉपर ओके आ रहा है। तो अभी हम सॉफ्टवेयर पे चलेंगे, तो अपने सॉफ्टवेयर पे हम आ चुके। तो यहाँ पे दोस्तों दो फाल कोड एक्टिव था और बाकी कुछ फाल कोड मेमोराइज में थे, तो अभी वो फाल कोड जो एक्टिव में कन्फर्म है इसको भी हम रीसेट कर लेंगे क्योंकि अभी गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम डाटा राइड में जाएंगे और प्रेशर रेगुलेटर वाल पीआरबी काउंटर जो है सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम रीसेट कर लेंगे, जीरो इंटर करेंगे और यहाँ पे राइड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे राइड डाटा सक्सेसफुली हो चुका है, इसको ओके कर लेंगे और फिर सेलेक्ट में जाएंगे। फिर यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर वाल पीआरबी टाइमर इसको भी हम रीसेट करेंगे। तो यहाँ पे रीसेट काउंटर टू द जीरो प्रेस करेंगे और राइड करेंगे इसको भी। तो यहाँ पे जो हमारा पीआरबी है, टाइमर और काउंटर जो है वो दोनों रीसेट हो चुका है। तो अभी हम जो है फाल कोड पे चलेंगे, रिटर्न फाल कोड पे, और देखते हैं जो फाल कोड है वो मेमोराइज में देखें। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कन्फर्म नो डीटीसी, तो वाल डीटीसी पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो फाल कोड था टाइमिंग रेल प्रेशर लिमिटिंग वाल ओपन, ये दोनों फाल कोड जो मेमोराइज में जा चुका है कन्फर्म में थे। तो यहाँ पे जो फाल कोड मेमोराइज में जा चुका है और गाड़ी जो है प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम फाल कोड को जो है डिलीट कर लेते हैं और आपको जो गाड़ी स्टार्ट करके चेक कराते हैं। तो अभी हम फाल कोड को डिलीट कर लेंगे और उसके बाद जो गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और आपको स्टार्ट करके दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पे अभी कोई फाल कोड नहीं है और गाड़ी जो प्रॉपर स्टार्ट है।